हाउस। आज की हमारी रेसिपी है मेथी दाल वड़ा। ऐसे तो हम सबने दाल वड़ा खाए होंगे, लेकिन आज हम मेथी उसमें ऐड करके दाल वड़ा बनाएंगे। तो आज आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो अब इसके इंग्रेडिएंट्स है, ये हमने ली है मेथी की भाजी, ये हमने दो प्याज उसको हमने चॉप कर लिया है, दो चम्मच हमने मिर्च ली है हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून हमने गरम मसाला, 1 टेबल स्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 बाउल हमने चने की दाल ली है। चने की दाल को हमने 5 से 6 घंटे के लिए भिगो दिया था, अभी इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। फिर बाद में लिया है हमने हरा धनिया और टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट। तो आए हम इसकी रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। ये चने की दाल को मैंने ब्लेंड कर ली है, इसको हम बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे। ये हम देखो हमारी ये चना दाल भी इसमें पूरी दिख रही है, तो इसको बाउल में निकाल लेते हैं। बाकी के सब इंग्रेडिएंट्स अभी इसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो हम ये मेथी की भाजी ऐड कर लेते हैं। चने की दाल पीसते वक्त हम लोगों ने बिल्कुल भी पानी यूज नहीं किया था, खाली हम लोगों ने चने की दाल ही पीसी है, इसमें पानी का यूज नहीं करना है। फिर बाद में हम लोग प्याज लेंगे। प्याज की क्वांटिटी इसमें हम ज़्यादा रखेंगे। प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा लेने से ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। गरम मसाला ऐड कर लेते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, ग्रीन मिर्च की पेस्ट, हरा धनिया, टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, और धनिया पाउडर। जीरा पाउडर। अभी हम ये सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। सब इंग्रेडिएंट्स हमने मिक्स कर लिया है, तभी इसके हम वड़े बनाएंगे और डीप फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके वड़े बनाते जाएंगे और डीप फ्राई करते जाएंगे। डीप फ्राई हम मीडियम आंच पे ही करेंगे। मीडियम आंच पे करने से उसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर अच्छी तरह से आ जाएगा और अंदर से कच्चा नहीं लगेगा। इसको हम मीडियम आंच पे पकाएंगे। ऐसे ही हम सब ये वड़ा बना लेंगे और उसको कर लेंगे। डीप फ्राई हम मीडियम आंच पे करेंगे, उससे हमारा अंदर से कच्चा भी नहीं रहेगा और अंदर से ही बहुत अच्छा क्रिस्पी बनेगा। ऐसे ही हम ये सब वड़ा बना के रेडी कर लेंगे और डीप फ्राई मीडियम आंच पे करते जाएंगे। इसको हम मीडियम आंच पे ही पकने देंगे। ऐसे ही 1 by 1 वड़े बना के हम डीप फ्राई मीडियम आंच पे कर लेते हैं। अभी एक साइड से हो गया है, तो हम दूसरी साइड से पकने के लिए उसको फ्लैप कर लेते हैं। ये लाइट गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है, मतलब इसको अंदर से वो पक गया है, तभी इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम डार्क ब्राउन कलर नहीं करेंगे।
तो ये मेथी दाल वड़े की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। आप इसको केचप, सीजन सॉस या ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। इधर मैंने केचप के साथ सर्व किया है। आप ये रेसिपी घर पे जरूर ट्राई करना। ये रेसिपी बच्चे और घर के सभी सदस्यों को पसंद आएगी। आप घर पे जरूर ट्राई करना। ये आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।